निराशा में आशा। किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक बूढ़ी विधवा भी रहती थी। वह उस न्यायाधीश से अपना न्याय चुकाने की बात करना चाहती थी। अतः प्रातः ही शीघ्र उठकर अपने घर के कार्यों से निबटकर अपनी लाठी टेकती हुई न्यायाधीश के द्वार पर पहुंची। परंतु द्वारपाल ने यह कहकर कि आज मालिक बहुत व्यस्त है, किसी से मिल नहीं सकते, उसे लौटा दिया। इसी तरह एक सप्ताह तक किसी ना किसी बहाने उसे द्वारपाल वहां से भगा देता था। बेचारी बूढ़ी विधवा फिर भी निराश नहीं हुई, बराबर जाती रही। थक कर एक दिन द्वारपाल ने उसे न्यायाधीश के पास अंदर जाने दिया। वहां भी उसे बार बार कई दिन तक आकर न्यायाधीश से यह कहना पड़ा, मेरा न्याय कर दे, मेरी सुन ले। कुछ समय तक तो उसने भी उस बूढ़ी विधवा की ना सुनी। अंत में एक दिन न्यायाधीश ने सोचा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी इसलिए कि ये विधवा बूढ़ी प्रतिदिन तंग करती है, मैं इसका न्याय अवश्य चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये लगातार आकर मेरी नाक में दम करे। इस कारण शीघ्र ही उस न्यायाधीश ने उस विधवा का न्याय चुका दिया। उस बूढ़ी विधवा का कुछ रुपया पैसा किसी सेठ साहूकार ने हड़प लिया था, परंतु बूढ़ी के मांगने पर उसने झूठ बोलकर उसको अपने यहां से भगा दिया था। अपने उसी रुपए पैसे को पाने के लिए वो प्रतिदिन न्यायाधीश के पास जाकर विनती करती थी। अंत में न्यायाधीश ने उसका न्याय कर ही दिया। मनुष्य के जीवन में विद्यार्थी जीवन सबसे अधिक परिश्रम करने वाला समय होता है, जिसमें कई बार निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता है। पर ध्यान दें, उस बूढ़ी विधवा का कोई सहायता करने वाला ना था। सुबह उठकर पैदल चलकर धीरे धीरे लाठी टेकती प्रतिदिन न्यायाधीश के पास जाती रही। भूखी प्यासी हो सकती थी। कई बार लौटना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। अंत में उसे न्याय मिल ही गया। शिक्षा। इस जीवन में बहुत से विद्यार्थी शीघ्र हार मानकर निराश हो जाते हैं, परंतु यदि हम नीचे लिखी बातों पर ध्यान दें तो सफलता हमसे दूर नहीं है। एक, हमारा जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ है। दो, हमारे पास स्वस्थ शरीर और बुद्धि है। तीन, हमें शिक्षा पाने की सुविधाएं प्राप्त हैं। चार, हमारे पास इस आयु में समय और बल है। और पांच, परिश्रम करते रहना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए कहा गया है, ईश्वर भी उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं।